नमस्ते, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर कम्युनिकेशन क्लासेस। मेरा नाम जॉन है और आज हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा हमारा स्क्रीन के सामने दिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन का शॉर्ट इंट्रो, एसेंशियल्स, इंट्रोडक्शन के एसेंशियल्स। एसेंशियल्स मतलब कौन कौन सी वो बातें ज़रूरी रखनी है जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंटली, जब इंट्रोडक्शन शुरू होता है तो जाहिर सी बात है वी ऑलवेज स्टार्ट विथ नेम। लेकिन कुछ चीज़ों में हमें ध्यान देना है, जैसे हमें ओपनिंग कैसे रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बात करी पहली चीज़ की, तो वो आया हमारा ग्रीट करना। ग्रीट इन द सेंस, जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे अपना, तो जाहिर सी बात है हम लोग गए, अब समय के हिसाब से हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी कहना होता है वो हम लोग कह सकते हैं। ग्रीटिंग के लिए हमने एक सिंपल सा एक सेंटेंस रखा, ग्रीटिंग ऑफ द ग्रीटिंग ऑफ द डे। ठीक है, ये एक तरीके से नमस्ते हुआ हमारा। उसके बाद ग्रीटिंग के बाद सेकंड पॉइंट आया हमारा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक्स कहना। ठीक है, थैंक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना समय निकाल करके हमें समय दिया, सो हमने कहा ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड थैंक यू फॉर दिस opportunity. Many times people add golden and different words ताकि वो उस opportunity की बहुत value बढ़ा दें। देखो, it is okay to enhance any situations or anything's value in words, शब्दों में उसकी शब्दों से उसका महत्व बढ़ाना अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मतलब ऐसी जगह पे हम लोग बैठे हैं जहाँ पे कई तीन चार लोग हमें इस तरफ देख रहे हैं, दे आर रेडी टू जज अस, और उसी बीच हमारी आलोचना भी होगी, लेकिन वो उस चीज़ को वो लोग अपने पास नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। उसकी वजह से अक्सर हम लोग नर्वस हो जाते हैं, और उस नर्वसनेस के चक्कर में हम लोग कभी कभी वर्ड्स का आगे पीछे सही इस्तेमाल करना या प्रोनंसिएशन हुआ कुछ चीज़ों को लेकर के हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। सो द बेस्ट ट्रिक इज टू ओपन एन इंट्रोडक्शन इज कि आप बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन रखें, बहुत सिंपल सा। तो सिंपली हमने शुरू किया ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, एंड इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एंड कंजंक्शन है हमारा एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और इस मौके का धन्यवाद। ठीक, अभी हम इस थोड़ी देर में अभी इस पर बताएंगे कि हमने इसको सर्कल क्यों किया है एंड को, कंजंक्शन को। तो हमने ग्रीटिंग ले दिया, हमने थैंक्स कह दिया, थर्ड आया हमारा यू टेल अबाउट योर नेम, हम अपने नाम के बारे में बताएंगे। अब नाम के बारे में जब भी बताते हैं, सो मेनी टाइम्स देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमारे दिमाग में रहती हैं, या हम लोग ने कहीं से सुनी होती हैं, या किसी को देखा या सुना होता है, तो अक्सर हम लोग उन चीज़ों को लगा देते हैं। जब भी नाम के बारे में हम लोग बात करें, तो इंट्रोड्यूस करते वक्त मेनी टाइम्स हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग कह देते हैं माई सेल्फ, और फिर हम अपना नाम बताते हैं। उसके बाद अक्सर हम लोग ने सुना होगा या बोला होगा दिस साइड कह करके फिर हम अपना नाम बताते हैं। सो माई सेल्फ दिस साइड, और फिर एक और दिस इज, फिर
फिर अक्सर हम लोग अपना नाम बताते हैं. नाउ अब इसमें एक छोटा सा हम लोग चेंज करेंगे. वो चेंज ये है कि माई सेल्फ को हम लोग अवॉइड करेंगे. व्हाई? क्योंकि माई सेल्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जिसे हम लोग ने प्रोनाउन में पढ़ा था, और ये जो प्रोनाउन है ये सेंटेंस के आखिर में आता है ज्यादातर. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू दिस माई सेल्फ, ये काम मैं अपने आप करूंगा, या ये काम मैं खुद से करूंगा. ऑलराइट, तो जो वर्ड या जो ओपनिंग माई सेल्फ जो हमारा है, जो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, उससे हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे शुरू कर सकते हैं? सो वो ग्रामेटिकली गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया. दूसरा, दिस साइड, ठीक है, दिस साइड तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है. दिस साइड तो विच साइड? लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट, बैकवर्ड? सो ये साइड सही जगह नहीं है, ठीक है. फिर दिस इज, दिस इज को हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे. क्यों? क्योंकि ये हम लोग ज्यादातर फोन पे इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग फोन पे इंग्लिश में पूछते हैं किसी से, किसी नए नंबर से बात हो रही है, तो अक्सर हम लोग कहते हैं हु इज दिस. हमने पूछा हु, apostrophe करके लिख रहे हैं अभी, हुज, और हमने कहा दिस. तो इसका जवाब में आपने कहा दिस इज, और फिर आपने नाम बताया. तो मोस्टली ये हम लोग फोन पे इस्तेमाल करते हैं. इंट्रोडक्शन की बात अगर करें हम लोग इंटरव्यूज में, तो हम लोग ये तीन अवॉइड करेंगे, ठीक. दूसरा एक पॉइंट और, अक्सर हम लोग आई एम करके भी इस्तेमाल करते हैं इंट्रोडक्शन में. आई एम, ठीक, आई एम गलत नहीं है, लेकिन आई एम की अभी ये जगह नहीं है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा कोई डेजिग्नेशन हमें नहीं मिला है, हमें अभी कोई उपाधि नहीं मिली है, ठीक है. सो हमने आई एम, अगर मान लीजिए आपने कोई डॉक्टरेट कर रखी है, थीसिस किया और आपने डॉक्टरेट कर ली, तो आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है, तब हम लोग लगा सकते हैं आई एम डॉक्टर, फिर आपने अपना नाम बताया. या जब आप आपकी भर्ती हो गई, यू गॉट रिक्रूटेड, आपका सिलेक्शन हो गया, बढ़िया से आपका SSB निकल गया, और आपका जो पहला डेजिग्नेशन मिला आपको लिटेनेंट का मिला, तो वहां पे हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं आई एम लिटेनेंट, और फिर आपने अपना नाम बताया. लेकिन अभी जब हम लोग 5 डे के प्रोसेस में है, SSB के प्रोसेस में, तो उसमें अभी हमारा कोई, हमें टाइटल मिला नहीं है, तो उस केस में हम लोग आई एम को भी अवॉइड करेंगे. अब हमने 1, 2, 3, 4, चारों को हमने खारिज कर दिया, तब उस केस में हमारा बचा क्या? उस केस में हमारा एक बहुत सिंपल सी सेंटेंस बची जो कि हमें पता है, हम लोग अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं उसको, वो है माई नेम इज. वेरी सिंपल, वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, और जल्दी से और आसानी से हमारे जबान पे भी आता है. तो हमने बोला, शुरुआत करी, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. माई कंप्लीट नेम इज, सॉरी, हाँ, माई कंप्लीट नेम इज, और आपने अपना पूरा नाम बताया. ये चीज कहनी थोड़ी सी सिंपल है, जल्दी से जबान पे आ रही है, हमें समझ में आ रहा है, और सुनने वाले को भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक. सो ग्रीटिंग्स, ग्रैटिट्यूड, नेम, उसके बाद फोर्थ केम योर प्लेस, आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो. नाउ यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस फ्रेमिंग आ रही है जिसमें कि अक्सर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक चीज है, एक सेंटेंसेस है, जैसे आई बिलोंग टू, कॉमन सा सेंटेंस है, हम लोग जानते हैं. दूसरा ऑप्शन आया, आई कम फ्रॉम, एक ये ऑप्शन हुआ. तीसरा,
I was born and brought up at, और आपने उस जगह का नाम बताया, ठीक है, एक दो तीन, तीन ऑप्शंस, एक और ऑप्शन, आई एम फ्रॉम, सो वी हैव वन टू थ्री फोर, फोर ऑप्शंस। अगर हमें थोड़ा सा फर्क सेंटेंस रखने की कोशिश करना चाहते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम, ये एक और फिफ्थ ऑप्शन है विच इफ वी वॉन्ट देन वी कैन डेफिनेटली ट्राई। सो नेम हो गया, प्लेस हो गया, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आई एम फ्रॉम एंड आई हेल फ्रॉम ज्यादा इजी है, दे आर इजी टू कनेक्ट विथ, क्योंकि आई बिलोंग टू गलत नहीं है लेकिन आई बिलोंग टू में एक छोटी सी कंडीशन आ रही है, वो है बिलोंग वाली, ये जो वर्ड है बिलोंग वाली चीज, इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू, मान लीजिए अगर मैं लखनऊ से हूं और मेरे को इंटरव्यू देना है दिल्ली में, और दिल्ली की कोई कंपनी है जिसने अपना ऑफिस खोलना है लखनऊ में, तो मेरे को बुलाया गया दिल्ली इंटरव्यू के लिए, सो मैंने कहा ठीक है आई विल कम, मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया कि जॉन वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैंने कहा सर आई बिलोंग टू लखनऊ, अब लखनऊ मैंने बोला और बिलोंग के साथ बोला क्योंकि मेरे को लखनऊ फिर वापस जाना है, सो यहाँ पे बिलोंग मतलब अ प्लेस विच यू लीव, जहां से आप छोड़ के जाते हैं और वही जगह आप छोड़ के जब जहां गए वहां से फिर वापस अपनी जगह पे आते हैं, सो आई बिलोंग टू लखनऊ, तो इसका मतलब मैं अभी दिल्ली आया हुआ हूँ लेकिन इसके बाद मैं वापस लखनऊ जाऊंगा क्योंकि लखनऊ ही में मेरे को रहना है, लखनऊ ही में मेरे को जॉब करनी है, तो ये एक सेंस फर्स्ट वाले का निकलता है। अदरवाइज आई एम फ्रॉम या आई हेल फ्रॉम या आई कम फ्रॉम या आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट, ये वाली चीज थोड़ी सिंपल है, इजी टू कनेक्ट, इजी टू कनेक्ट है, कनेक्टेबिलिटी इसमें है, देयर इज अ वे ऑफ कनेक्शन विद द इंटरव्यूअर, ठीक। ऐसे कोई ज्यादातर आपके जवाब में से बाल की खाल तो निकालेगा नहीं, लेकिन नाउ सिंस दिस इज एसएसबी, वहां पे तीन इंटरव्यूअर्स आपके सामने बैठे रहते हैं, एक तो इंटरव्यूअर खुद, एक जीटीओ और एक साइकोलॉजिस्ट, सो इन तीनों के दिमाग में कोई ना कोई ये सवाल आ सकता है कि व्हाई डिड यू सेड आई बिलोंग टू, इट मींस यू वांट टू गेट बैक टू योर प्लेस, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन ट्रिगर हो सकता है, सो दैट इज व्हाई टू टेक एनी चांस, एक चांस क्यों ले, लेट्स से कीप इट सिंपल, हमने ग्रीटिंग शुरू करी, ग्रीटिंग्स को हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से कंफ्यूज नहीं किया, हमने सिंपल रखा ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, ग्रैटिट्यूड, हमने थैंक्स कहा, किस चीज के लिए थैंक्स, कि आपने हमें ये मौका दिया, उसके बाद फिर हम अपने नाम पे आए, हमने सिंपल सा एक सेंटेंस लिया माई कंप्लीट नेम इज, और उसके बाद प्लेस के बारे में बताया तो हमने बता दिया आई एम फ्रॉम, या बाकी के जो ऑप्शन हैं इनमें से फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हम लोग ज्यादातर यूज टू हैं, इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा अवॉइड करना है, राइट। सो इन द एंड अभी के लिए जो इंट्रोडक्शन है हमारा, ये जो एक दो तीन चार, ये जो चार स्टेप्स होते हैं, इस चार स्टेप्स में हमें थोड़ी सी फ्लुएंसी बनानी पड़ती है, रीजन बीइंग आप किसी भी जानने वाले से अपना इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करो, या जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में आप आते हो, जैसे हम लोग मॉक इंटरव्यूज लेते हैं तो उसमें जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, लेकिन व्हाट इफ एक अनजान तीन चार व्यक्ति आपसे आपका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पे अक्सर हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे अटकते हैं कि हम पहले क्या बोलें, या हम कौन सा वर्ड लगाएं, हम कौन सा सेंटेंस या फ्रेज का इस्तेमाल करें, सो द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इट, इंट्रोडक्शन की बात करें, और जब हम बात करते हैं फ्लुएंसी की इंग्लिश में तो जाहिर सी बात है हमें बेसिक से चलना चाहिए और बहुत सिंपल रखना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाओ,
जितना कॉम्प्लिकेटेड लाओगे, जितने फर्क वर्ड्स, जितने ज्यादा नए नए सेंटेंसेस ऐड करने की कोशिश करोगे, उसमें हमें याद रखने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, मुश्किल आ सकती है. सो कीप इट सिंपल. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. माय कंप्लीट नेम इज एंड आई एम फ्रॉम, हमने ये सेंटेंस बता दिया, राइट. सो दैट इज इट फॉर द डे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कि मैंने ये एंड का क्यों इस्तेमाल किया था. ऑलराइट, हैव अ नाइस डे. जय हिंद.